हाँ जी मेरे सारे दोस्तों एक बार फिर तो सत श्रीकाल जी। दोस्तों अज आप गलबात करांगे सर्बिया के वर्क परमिट से, क्योंकि ज्यादा सर्बिया बंद हो जी एंट्री है वो बंद हुई हो, टूरिस्ट वीजे बंद हो, बहुत सारे जी ठगी हम सर्बिया के वर्क परमिट के नाम से लग रही है, क्योंकि जो सर्बिया का पहला एंट्री खुली सी उदों तो चलो जो वीजे लगते ही लगते थे, पर हम सर्बिया का जो वर्क परमिट से आदि उत्ते ठगी लग रही है। सर्बिया का वर्क परमिट कह के जो जी थी कंपनी के नाल किसी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर आनू एडिट करके वो उत्ते नाम की वो ठगी मार रहे हैं, जो वर्क परमिट आडिट करके ठगी मार रहे हैं। अज जी आप गलबात करांगे भी जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर आहोजा होंगे आ तो जो वर्क परमिट आहोजा हों कि टाइम के मिलता है, तो प्रोसैस हों जी आप सारी गलबात आते करा। उस तो पहले जो सा कोई भी भैन भरा सा चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज साढ़े चैनल में सबसक्राइब जरूर। तो हम आप गलबात कर लेंगे कि सर्बिया का जो वर्क परमिट है वो थोड़ा किस तरीके मिलता है। दोस्तों ये इदा होंगी है भी जो आप किसी भी जो तुम कंपनी के जाना है जैसे इंपलॉयर को जाना है जैसे फैक्टरी के जाना है वो की करते हैं कि सब तो पहला तो जिस भी कंपनी को या किसी फैक्टरी को वर्कर की लोड़ होती है वो की करते हैं कि सर्बिया के विच एक एजेंसी है जिहड़ी उहदे विच जाके वो एक एड दिंदे आ, उहदे विच एक इश्तिहार वो दिंदे आ भी जिहदे विच वो दसदे आ भी साडी जिहड़ी कंपनी है उहदा आह नाम है, इन्ना टाइम सानू चलाउंदियां हो गया ते सानू इन्ने वर्कर की लोड़ आ भी साडे इस काम वास्ते सानू आह जिहड़े बंदे आ इह चाहीदे आ। तो वो सब तो पहले तो वह अपनी उस कंट्री के चैक करते हैं भी जे उन्होंने उत्थे कोई मिलता है, जे नहीं मिलता उस तो बाद जी परमिशन देंगे भी तुम किसी होर कंट्री को जोड़ा ये बंद हायर कर सकते हैं, तो उस तो बाद जो जाके अपना आ वर्क परमिट इशू हों। तो दोस्तों ये मैं थोड़ा दिखा दा आज जो पेपर आ, देखो आज जो पेपर आ यह है कंपनी के नाल कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, इनू कॉन्ट्रैक्ट पेपर कहते होंगे जी सर्बिया की लैंग्वेज है वो टाइप किया होंगे आदा कंपनी के नाल पूरा कॉन्ट्रैक्ट हों, कंपनी ने कितनी सैलरी देनी है, कंपनी ने थानू मैडिकल देना है, कंपनी थानू रिहायश देनी है, किन्ने टाइम बाद थानू छुट्टी देनी है, या किन्ना थोड़ा जिहड़ा आ फंड होगा, ये पूरी डिटेल जी इस पेपर के दी होंगी है, इनू कॉन्ट्रैक्ट पेपर कहते हैं। ये पेपर में ही लोग जोड़े आ ठगे आ जिहड़े जाने के वो ठगियां मारदे आ, ये पेपर में ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ही जिहड़ा आ वर्क परमिट कह के तुहानू देई जा रहे आ ते उहदे उत्ते तुहाडे कोल जिहड़े लखां रुपया लै जा रहे आ। पर दोस्तों जिहड़ा वर्क परमिट आ वो मैं तुहानू दिखा दिंदा, देखो जिहड़ा हुण आया इहनू वर्क परमिट कहिंदे आ, ये वर्क परमिट हुंदा आ ये दोस्तों जो तुहाडा वर्क परमिट आउंदा आ इहनू दो तो ढाई महीने लग जाते हैं, क्योंकि जिहड़ा इहदा प्रोसैस हुंदा पहले उन्होंने एड देनी पैंदी आ जिदा आपां पहले तुहानू दस्सिया, एड देने तो बाद एड नू भी वह घट्टो घट्ट 12 तो 15 दिन वो चलाउंदे आ, उस तो बाद जाके वह परमिशन दिंदे आ कि तुसीं किसी होर कंट्री तो जिहड़ा आ अपने जिहड़े आ बंदे तुसीं हायर कर सकते हैं, तो उस तो बाद कंपनी आपां नू जिहड़ा आ इह इशू करदी आ, इहनू आपां नू वर्क परमिट कहिंदे आ, तो इस वर्क परमिट ते फिर तुसीं जिहड़ा आ उह सर्बिया आ सकदे आ। पर दोस्तों जिहड़ा इह वर्क परमिट आ ज्यादातर इहदे विच भी उह ठगी हो रही आ, ये भी फेक दे रहे हैं, इन्हों भी एडिट करके दे रहे हैं, तो आप दोस्तों जी अगली वीडियो आपे शेयर करा भी जो ये वर्क परमिट आई किस तरीके चैक कर सकते हैं। अज जी आप थोड़ी यही इनफॉरमेशन शेयर करनी सी भी थोड़े नाल जो कि टाइम लग जाता है भी जो वीजा उन्होंने दो तो ढाई महीने घट्टो घट्ट लग ही जाते हैं, जे थोड़ा जो पेपर है प्रोपर उस तरीके जो कोई भी एजेंट आ जो कोई लॉयर आ जोड़ा आ प्रोपर उस तरीके थोड़े से वर्क कर रहा है, तो दो तो ढाई महीने जोड़े आ लग ही जाते हैं। जो थोड़ा कोई कहता जी असं दिन वर्क परमिट दे देंगे या असं थोड़ा 15 दिन दे देंगे, तो दोस्तों वो सब फेक है, वो तो थोड़ा जहाँ तुम बच के रहो, क्योंकि हुण दे टाइम जिहड़ा आ सर्बिया दी जिहड़ी वर्क परमिट के नाम से बहुत ज्यादा ठगी हो रही है। तो अगली वीडियो में आप गलबात करांगे जिहड़ा आप सर्बिया का वर्क परमिट उहनूं तुसीं किस तरीके नाल चैक कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई होर जानकारी लैके जल्दी आना, तो तक सारे प्यार भरी सत श्री अकाल।